नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हमारे पास रोज की भांति चार अखबार हैं। इन चारों अखबारों की क्या है सुर्खियां हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि कौन कौन से अखबार हमारे हाथों में हैं। पहला है नवभारत टाइम्स, दूसरा है अमर उजाला, तीसरा दैनिक हिंदुस्तान और चौथा दैनिक जागरण। इन चारों अखबारों ने अपनी मुख्य पृष्ठ की पहली खबर क्या बनाई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या छपा है। तो सबसे पहले हम लेते हैं नवभारत टाइम्स। जैसा कि रोज हम नवभारत टाइम्स से ही शुरू करते हैं, तो नवभारत टाइम्स में क्या छपा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि गया त्रिवेंद्रम राज आया नए सीएम आज। गया त्रिवेंद्रम राज नया सीएम आज, इन्होंने सुर्खी दी है, पहली खबर बनाई है। उत्तराखंड में ये बता रहे हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में होगा चुनाव। तो आपको ये बता दें कि ये छपा है और इसमें कल जो उत्तराखंड के सीएम थे उन्होंने त्यागपत्र दिया है। केंद्र के इशारों पर केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें त्यागपत्र देने के लिए कहा था और उन्होंने कल त्यागपत्र दिया। अखबारों ने आज उनके त्यागपत्र को सुर्खियां बनाई हैं। और आपको बता दें कि आज 10 बजे बैठक हुई थी। अखबार लिख रहा है कि सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक होगी और इसमें नेता चुना जाएगा। तो आपको बता दें कि इस समय 12 बज रहे हैं जब हम यह आपको बता रहे हैं पढ़कर। तो इस समय तक विधायक दल की बैठक में जो फैसला लिया गया है उसमें गढ़वाल से सांसद एक बार और सुन लीजिए, गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया है और आज ही ये शपथ लेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब अखबार की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने ताजा अपडेट आपको बता दिया कि तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है विधायक दल की बैठक में। और आपको बताएं कि ये जो भी नाम आ रहे थे इससे पहले, जैसे कि सांसद अनिल बलूनी नैनीताल से, लोकसभा सांसद अजय भट्ट और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज इसमें रेस में थे। ये बताया जा रहा था कि धन सिंह रावत, अनिल बलूनी और अजय भट्ट सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। जो भी नाम इसमें छपे हैं नवभारत टाइम्स में, उनमें से कोई भी नाम नहीं है, वो नाम नहीं छपा था जिसका विधायक दल की बैठक में उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है जिस व्यक्ति को, वो हैं गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह। आपको बताएं, और तीरथ सिंह रावत जिनको उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। आपको बता दें अखबार ये लिख रहा है कि सीएम पद पर 4 साल पूरे होने से नौ दिन पहले ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा है। और जब ये त्यागपत्र कल दे रहे थे, जैसा कि सभी ने देखा होगा टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे, तो जब इनसे इस्तीफे का कारण पूछा गया तो उनका जो दर्द था वो छलक आया। अखबार ये भी लिखता है कि उनका दर्द जो है वो छलक आया और उन्होंने क्या कहा उसको कोट करते हुए यह अखबार लिख रहा है कि इस्तीफे का कारण जानने आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी कि इस्तीफे का कारण वो नहीं जानते हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें आदेशित किया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। हो सकता है कि इनको केंद्र में कोई नई भूमिका मिले। फिलहाल अखबार ने जो छापा है मैंने आपको बता दिया। अखबार ने यह भी बताया है नीचे कि रावत को बेलगाम अफसरशाही ले डूबी। बिल्कुल, अगर नेतृत्व ढीला है और उसके अफसर या उसके कर्मचारी जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदारी नेतृत्व की ही आती है, चाहे कोई भी संस्थान हो या फिर सीएम का पद ही क्यों ना हो। अगर आपका कंट्रोल अपने अफसरों पे नहीं है तो निश्चित ही आप योग्य शासक नहीं है और शायद इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इन्हें दिल्ली बुलाया है और इनको इनके पद से हटाया गया है। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरे अखबार को लेते हैं। दूसरे अखबार अमर उजाला, जैसा कि हम रोज अमर उजाला, नवभारत टाइम्स के बाद अमर उजाला
को ही पढ़ते हैं और तरहीज देते हैं। तो इसने दो, इनके दो फ्रंट पेज हैं। मैं आपको बता दूं कि अमर उजाला के दो फ्रंट पेज हैं। डिसाइड हमें यह करना है कि कौन फ्रंट पेज हम पहले पढ़ें। तो अगर जो हम जो पहला फ्रंट पेज है इनका, उन पर अगर नजर दौड़ाते हैं तो सीधे सीधे कौड़ियों के दाम बिकी सात मिले अटैच मोटी हेडिंग आती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे विजुअल्स में। मायावती सरकार में 1100 करोड़ के चीनी मिल घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की है, इसको फ्रंट पेज की खबर बनाया गया है अमर उजाला के द्वारा। यह लिख रहा है कि प्रदेश में मायावती सरकार के दौरान 2010-11 में हुए करीब 1100 करोड़ के चीनी मिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में बसपा के पूर्व एमएलसी व खनन माफिया मोहम्मद इकबाल द्वारा मुखौटा कंपनियां बनाकर खरीदी गई सभी सात चीनी मिलों को अटैच कर लिया है। आपको बताएं कि ईडी ने 1100 करोड़ की चीनी मिलों को, ये उस समय 2010-11 में 60.28 करोड़ रुपए में खरीदी थी इन्होंने, यानी कि बहुत ही कम कीमत दे करके ये चीनी मिलें खरीद ली गई थी। अब ये शुरू कैसे हुआ, 2016 में अखबार बता रहा है कि 2016 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सीबीआई को इकबाल के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया गया था और तभी से यह जांच चल रही है। इकबाल की कंपनियों ने प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। इन कंपनियों ने शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्रमोटरों की पृष्ठभूमि की जानकारी भी नहीं दी थी, जो स्पष्ट शर्तों में शामिल था। ये सारी चीज़ें थी। इनके खिलाफ केस कब दर्ज हुआ था, आपको ये भी बता दें। अखबार ये भी बता रहा है कि बंद पड़ी मिलों की खरीद के मामले में 2017 में लखनऊ के गोमती नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मुखौटा कंपनियों के डायरेक्टर राकेश शर्मा निवासी रोहिणी दिल्ली, धर्मेंद्र गुप्ता निवासी इंदिरापुरम गाजियाबाद, सौरभ मुकुंद निवासी साउथ सिटी सहारनपुर, मोहम्मद जावेद निवासी मिर्जापुर, सुमन शर्मा निवासी रोहिणी दिल्ली, मोहम्मद नसीम अहमद निवासी मिर्जापुर, मोहम्मद वाजिद पुत्र मोहम्मद इकबाल निवासी मिर्जापुर को नामजद किया गया था 2017 में। 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के द्वारा सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। इसमें नियम और शर्तों की अनदेखी हुई थी, ये अमर उजाला लिखता है। अब इसके दूसरे फ्रंट पेज पे आते हैं तो उत्तराखंड की ही बात की गई है और इसमें ये लिखा गया है कि सीएम रावत का इस्तीफा को प्रमुखता दी गई है अमर उजाला के दूसरे फ्रंट पेज पे। इसको फ्रंट पेज ही हम कहेंगे, सेम फ्रंट पेज ही इस तरह से बनाया गया है। प्रमुखता दी गई है नए मुख्यमंत्री पर फैसला आज, जो कि मैं बता चुका हूं कि नए मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है और तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी खबर है। भाजपा विधायक दल की बैठक में ये नाम तय होना था और तय कर लिया गया है। ये सब सारी चीजें हैं ये बता रहा है। ये भी अखबार ये बता रहा है कि निशंक, धन सिंह और सतपाल पर चर्चा थी, लेकिन ये तीनों नाम, इन तीनों नामों पर मुहर नहीं लगी है। एक नया नाम तीरथ सिंह रावत, जो कि गढ़वाल से सांसद हैं, उनको उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। तो यह मैंने आपको अमर उजाला की भी बातें बता दी। इनके जो दो मुख्य पृष्ठ थे उनके बारे में भी मैंने बताया आपको। अब हम आते हैं, जो अमर उजाला को मैंने बता दिया, अब आता है तीसरा पेपर दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान क्या लिखता है,
मैं आपको बता रहा हूं दैनिक हिंदुस्तान जो है वो क्या लिख रहा है, इसकी खबर जो है ये थोड़ी सी अलग ही है। यह नई दिल्ली से, यानी कि जो सदन है उसकी बात कर रहा है कि सदन में कल हंगामा हुआ। किस बात को लेकर हंगामा हुआ? सदन स्थगित करना पड़ा, महंगाई के मुद्दे पर दूसरे दिन भी सदन ठप, ये हेडिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके इस विजुअल में दिख रहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का हंगामा हुआ है। विपक्षी दल हंगामा किए हैं, संसद दूसरे दिन भी ठप रही है महंगाई के मुद्दे पर। आपको बताएं कि करीब एक वर्ष बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अपने नियम समय पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई। दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सभाकक्ष और गैलरी में बैठे, लेकिन थोड़ी ही देर में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी लाने की मांग की और कहा कि 2013-14 के स्तर पर लाया जाए। सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। इसी दौरान द्रमुक, एनसीपी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी मोर्चा संभाल लिया और अपने स्थान पर ही खड़े होकर विरोध दर्ज कराने लगे। महंगाई वास्तव में महंगाई ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है वह कम है, लेकिन जो तेल का मूल्य है, पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य है, वो आसमान छू रहा है। अपने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते हुए 100 तक जा पहुंचा है। 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल कहीं कहीं बिक रहा है और इस बात को लेकर सदन में हंगामा मचा और मचना ही चाहिए। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो सरकार के कानों पे जूं रेंगाना विपक्ष का काम है और वह बखूबी कर रहा है। किस तरह से सरकार सुनती है विपक्ष को, उसी भाषा में समझाना चाहिए कानून के दायरे में रहते हुए। यह संविधान अधिकार देता है। अब हम आते हैं दैनिक जागरण पे। दैनिक जागरण यह हमारा चौथा अखबार जिसे सबसे बाद में पढ़ते हैं, इसने क्या सुर्खियां लगाई हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह सीधे बंगाल पहुंचा है, बंगाल नहीं, हम आपको बताएं कि इसकी जो सुर्खियां हैं वो उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर ही टिकी हुई हैं। और यह अखबार बता रहा है कि 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं पूरा कर पाए, यानी कि 9 दिन पहले ही इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और आज विधानमंडल दल की बैठक में नेता चुन लिया जाएगा। नेता चुनने की बात जहां तक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अब तक नेता चुन लिया गया है और तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंप दी गई है, जो कि गढ़वाल से सांसद हैं। हालांकि यह अखबार भी जो है तमाम अटकलें लगा रहा था और इन अटकलों में तमाम ऐसी चीजें थीं, कई लोगों के नाम ये दिखा रहा था कि, लेकिन उन लोगों पर मुहर नहीं लग पाई और एक नया नाम जो निकल करके आया, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की कमान सौंपा गया। एक और खबर है जो सबसे ऊपर है, लेकिन प्रमुखता वो मोटी हेडिंग नहीं दिया गया है, बोल्ड नहीं किया गया है। दैनिक जागरण सीधे बंगाल पहुंचा है, कोलकाता पहुंचा है और वहां के जो जीडीपी को चुनाव आयोग ने हटाया है उनकी बात प्रमुखता से छापा है और इस बात को वो बता रहा है अखबार कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से की गई बड़ी कार्रवाई। 1987 बैच के अधिकारी नीरज नयन पांडे को नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। आयोग ने वीरेंद्र को, यानी कि जो चुनाव आयुक्त हैं जिन्हें हटाया गया है, वीरेंद्र को तत्काल कार्यमुक्त करने को कहा है।
डीजीपी वीरेंद्र को हटाया गया है। किस लिए हटाया गया है कि विपक्ष का आरोप था कि यह चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंचाते हैं, यानी कि टीएमसी को फायदा पहुंचाते हैं। ये दो चीज़ें हैं और दोनों ही बातें यहाँ पर आ गईं। तो ये हमने आपको आज जो प्रमुख अखबार हैं उनकी मैंने सुर्खियाँ बताई और दिखाया कि इनमें क्या छपा है। और ये छपने के बाद, जैसे कि उत्तराखंड की जो बात थी उसमें जो अनुमान लगाए थे अखबारों ने कि किन किन नामों पे सहमति बन सकती है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उन नामों पे सहमति नहीं बन करके एक नए नाम पर सहमति बनी है, जिनको उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है, वो है तीरथ सिंह रावत, जो गढ़वाल से सांसद है। ये मैंने आपको बताया चारों अखबारों में क्या छपा था, उनकी सुर्खियां क्या थीं मैंने बताया, उनके अंदर क्या था, उनका भाव क्या था लिखने का ये भी मैंने बताया। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।